हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल दाल फ्राई। उसके लिए हमने सामग्री में क्या लिया है, दो हरी मिर्च, पांच छह लहसुन की कलियां और एक पिंच अदरक का, और उसको हमने कूट के पेस्ट बना लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज और दो टमाटर, प्याज को हमने छील के बारीक कट कर लिया है। और हमने दाल पहले से उबाल ली है। इस कटोरी में एक कटोरी दाल ली है और इसी में लगभग पांच कटोरी पानी लिए हैं। ये इसका इस तरह अमाउंट रहता है। और डेढ़ चम्मच नमक और आधा टीस्पून हल्दी, और उसको हमने डाल के और गैस में 8 से 10 सीटी दिलवा दी है, जिससे कि दाल पक गई है। ये तो देखिए, ये दाल हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पैन ले लिया और उसको गैस के ऊपर रख दिया। हम दाल घी में फ्राई करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या कोई और खाने वाला ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हमने लगभग 4 स्पून घी डाल लिया है। थोड़ा घी गर्म हो जाने देते हैं। घी गरम हो गया, हम इसमें 1/2 स्पून जीरा डाल देते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी राई डालना हो तो इसी के साथ हम डाल देंगे राई। साथ में हम डाल देते हैं मिर्ची और प्याज। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम 1 से 2 मिनट प्याज को भूनेंगे। तो 2 मिनट हो गया। अभी इसमें हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे। अब प्याज को हम भूनेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसको ऐसे ही कर देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम में हम छोड़ देंगे। जब तक प्याज भून रही, हम टमाटर को भी बारीक कट कर लेते हैं। तो प्याज लगभग भून गई है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी हल्दी डाल रखी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला, जो हम सब्जी में मसाला यूज करते हैं, उसको भी अगर हम दाल में डाल देते हैं तो उससे टेस्टी दाल बन जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून से भी कम। तो हमने डाल दिया थोड़ा सा मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए ये भुन गया है क्या। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और पकने देते हैं जब तक ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाए। हम दाल में ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, लेकिन हम क्योंकि टमाटर का यूज कर रहे हैं और दाल में सिर्फ दाल के हिसाब से ही नमक डाला है, तो हम थोड़ी सी बस हल्की सी, जितना हमारा जिस हिसाब से मसाला उस हिसाब से हम थोड़ी सी इसमें भी नमक डाल देते हैं। तो ये 1/2 टीस्पून से भी कम हमने नमक डाला है, आप कह सकते 1 चुटकी नमक यूज किया। और इसे अच्छे से इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। गैस को हम थोड़ा तेज कर देंगे और थोड़ी देर हम ढक देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से गल जाए टमाटर। तो ये देखिए टमाटर एकदम अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं दाल। ये हमने इसमें डाल दिया दाल और इसको अच्छे से चला देंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि दाल अच्छे से उबलने लग जाए, और इसको
बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये दाल अच्छे से बॉयल होने लग गई है और ये पक गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपको थोड़ी और पतली दाल खाना हो तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी शुरू में ही और डाल सकते हैं। हमने गैस बंद कर दी और दाल को एक बाउल में निकाल ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स दाल कितने अच्छे से बनके तैयार हो गई और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी धनिया पत्ती, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये दाल फ्राई बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ जिसके साथ मर्जी हो खा सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।